हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ टी टाइम स्नैक्स शेयर कर रही हूँ। ये स्नैक्स आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। आज हम टी टाइम स्नैक्स बना रहे हैं। बहुत ही इजी है। इसके लिए सबसे पहले हम एक कटोरी रवा लेंगे। इसको हम रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पर। इसे हम हल्का हल्का ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेते हैं। रवा रोस्ट हो गया है, इसे हम एक प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं। पैन में हमने 3 छोटी चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे, 10 से 12 कड़ी पत्ता चॉपली, 2 कटोरी पानी, 2 कटोरी पानी को बॉईल होने देंगे। पानी बॉईल हो गया है, इसमें हम 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, जो हमने रवा रोस्ट किया है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम लो फ्लेम पर। तीन छोटी चम्मच भर के हम यहाँ रोस्टेड पीनट है, मूंगफली के दाने मैंने रोस्ट करके इसे बारीक मिक्सी में पीस लिया था, उसको डाल देंगे हम इसमें। इसे लो फ्लेम पर ही चलाते हुए मिलाना है हमें। टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे, रेगुलर नमक है, टेस्ट के अनुसार डालेंगे हम और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये गाढ़ा हो गया है, गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे नीचे उतार लेंगे। रवा को हमने एक बाउल में निकाल लिया है, ये हल्का हल्का ठंडा हो गया है। इसमें आप नमक और मिर्ची आप टेस्ट के अनुसार डालें, जितना स्पाइसी खाते हैं उतना मिर्ची डालें। इसलिए हमने काली मिर्ची का ही प्रयोग किया है। 1 छोटी कटोरी भर के हम लेंगे यहाँ ब्रेड क्रम्स, ब्रेड का चूरा, ये डाल देंगे हम। इसे हाथ की सहायता से हम एक डो रेडी कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसमें। अब हम इसे आप कोई भी शेप दे सकते हैं, इसे गोल भी दे सकते हैं। मैं यहाँ फिंगर्स दे रही हूँ, इस तरह से हम लंबाई में देंगे इसे। इस तरह से हम बना के रख लेंगे सभी को। अब हम एक कटोरी में लेंगे 2 छोटी चम्मच बेसन। बेसन में हम थोड़ा नमक डाल देंगे 1 पिंच और इसका एक पतला घोल बनाएंगे हम। हमने इसका एक पतला घोल बना लिया है, बिल्कुल पतला घोल बनाना है हमें। और यहाँ लिया है मैंने ब्रेड क्रम्स, ब्रेड का चूरा, इसके ऊपर लपेटने के लिए। इसे लेंगे, थोड़ा हम लपेटेंगे बेसन में घोल में इस तरह से, और फिर ब्रेड क्रम्स से लपेट लेंगे इस तरह से दबाते हुए। इसी तरह से हम सभी रोल को रेडी कर लेते हैं। सभी स्नैक्स को बना लिया है, देखिए। अब हम ऑयल गरम कर लेते हैं। हम इन्हें सैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। इसके लिए मैंने तली में ऑयल लिया है थोड़ा, इसको हम गरम होने देंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है, इसमें एक एक करके डाल देते हैं हम। एक तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, दूसरी तरफ से पलट देते हैं हल्के हाथ से। इसी तरह से हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। सैलो फ्राई करेंगे हम। ये जल्दी बन जाते हैं, इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगता है।
दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सभी को सेल्फ फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ सभी स्नैक्स को बाहर निकाल लिया, बहुत ही क्रिस्पी आप देख सकते हैं, ये देखिए बहुत क्रिस्पी बने हैं ये। मैं यहाँ चाय के साथ सर्व कर रही हूँ, बहुत टेस्टी है खाने में भी, आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी डाल सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे, धन्यवाद।